सब हमको पता नहीं, एफआईआर क्या किया नहीं किया वो हम नहीं जानते, ये सब होते रहता है, अनुमोदन तक नहीं करते हैं। बाहुबली अनंत सिंह के ऊपर जो जेल तोड़ने का आरोप लगा था, तो इसको लेकर के वो पहली बार खुलकर बोलते हुए नजर आए। साथ ही साथ जिस तरह से एमपी एमएलए कोर्ट में वो पहुंचे थे पेशी होने के लिए, तो उनके साथ जो है कई समर्थक नजर आए और वही चमक, वही दमक और वही रुतबा जो है अनंत सिंह के चेहरे पे नजर आ रही थी। क्योंकि जिस तरीके से वो हर बार नजर आते हैं, तो इस बार भी जब वो पेशी होने के लिए वहां पहुंचे तो अपने समर्थक के साथ पहुंचे थे। और जब उनसे सवाल किया गया कि आपके ऊपर जेल तोड़ने का आरोप है, साथ ही साथ आपके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई, तो इसको लेकर के क्या कुछ कह रहे हैं अनंत सिंह, पहले आप वो सुने। आप पे आरोप लगा है जेल ब्रेक कांड का, उस पर क्या कहिएगा? हम जानबूझ तक नहीं करते, एफआईआर दर्ज हुआ, क्या गलत आरोप लगाया आप पे? हाँ, एकदम गलत। क्या हुआ था उस दिन? कुछ नहीं हुआ था, कहा था कि जानवर ही नहीं, क्या हुआ नहीं हुआ। क्या बैरक का ताला बंद नहीं था? नहीं, हमको ये बात मालूम नहीं, कुछ मालूम नहीं था आपको। तो ये क्या लग रहा है, क्यों हुआ है आपके साथ ऐसा? हमारा साथ कुछ नहीं हुआ है। एफआईआर में कहा गया कि आपने बैरक तोड़ने का, हमको पता नहीं एफआईआर किया नहीं किया वो हम नहीं जानते, ये सब होते रहता है। अच्छा, किसी बात का आपको कोई चिंता नहीं है? हुआ है तो हुआ है। आगे आप क्या रणनीति है आपकी? क्योंकि देखिए प्रशासन ने एफआईआर देख रहे हैं कि जेल से आ रहे हैं, फिर जेल जाएंगे, पता लग रहा है। तो आपने साफ तौर पे सुना उनका कहना है कि देखिए जो आरोप हमारे ऊपर लग रहे हैं साजिश करने का, जेल तोड़ने का, तो हमें इसकी जानकारी नहीं है। साथ ही साथ जो एफआईआर दर्ज हुए हैं इसकी भी जानकारी हमें नहीं है। साजिश रचने की जो बात कही जा रही है, तो इन तमाम चीज की जानकारी हमें नहीं है। देखिए सबसे पहले वो तस्वीर किस तरह से जो है उनके साथ समर्थक नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि जिस तरह से जेल कांड को लेकर के चर्चाएं तेज थी कि समर्थक और जेलर आपस में ही भिड़ गए थे और कहा जा रहा था कि साजिश रच रहे थे कि जेल तोड़ कर वो भागने का, तो इन तमाम चीज को लेकर के खुलकर पहली बार अनंत सिंह बोलते हुए नजर आए। और साथ ही साथ उन्होंने कह दिया कि इन तमाम चीज की जानकारी हमारे पास नहीं है। तो अभी तक के लिए इतना ही, देखते रहे इंडिया टॉप न्यूज, मैं हूं कमलेश। क्या कहिएगा? हम जानबूझ तक नहीं करते, बेबुनियाद बात। एफआईआर दर्ज हुआ, क्या गलत आरोप लगाया आप पे? हाँ, एकदम गलत। क्या हुआ था उस दिन? कुछ नहीं हुआ था, कहा था कि जानवर ही नहीं, क्या हुआ नहीं हुआ। क्या बैरक का ताला बंद नहीं था? नहीं, हमको ये बात मालूम नहीं, कुछ मालूम नहीं था आपको। तो ये क्या लग रहा है, क्यों हुआ है आपके साथ ऐसा? हमारा साथ कुछ नहीं हुआ है। एफआईआर में कहा गया कि आपने बैरक तोड़ने का, हमको पता नहीं एफआईआर किया नहीं किया वो हम नहीं जानते, ये सब होते रहता है। अच्छा, किसी बात का आपको कोई चिंता नहीं है? हुआ है तो हुआ है, चिंता। आगे आप क्या रणनीति है आपकी? क्योंकि देखिए प्रशासन ने एफआईआर देख रहे हैं कि जेल से आ रहे हैं, फिर जेल जाएंगे, पता लग रहा है।